हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 6 को परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड एनिमेशन मेथड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड में हम पहले 1 से लेकर 7 तक का सम निकालेंगे, देन आफ्टर हम 1 से लेकर 10 तक का सम निकालेंगे, फिर जनरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम 1 से लेकर एन तक के सम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेचुरल नंबर के सम को फाइंड आउट करने के लिए हम 1 यूनिट के स्क्वायर पेपर की कटिंग करते हुए हम उसके स्टेयर फॉर्म में लगाएंगे। सबसे पहले हमने 1 को लगाया, फिर 1 और 2 को लगाया, तो ये 1 प्लस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेप में हम 1 प्लस 2 प्लस 3 को लगाएंगे, ये 1 2 3 हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है 1 प्लस 2 प्लस 3 को। एंड द सेम वे में हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते करते हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तक करते हैं। अब इन नंबर्स को हम रीअरेंज करेंगे और 1 को हम इस नेक्स्ट 7 के यहाँ पर लगाते हैं, एंड देन आफ्टर इसके अगले स्टेप में हम यहाँ पे 1 और 2 को लगाएंगे, देन नेक्स्ट इस स्टेप में हम 1 2 3 को लगाएंगे जो 1 प्लस 2 प्लस 3 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन अगेन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप अपने नेचुरल नंबर के सम को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 7 तक लगाते हैं। अब हम ये 1 स्क्वायर यूनिट के इन नंबर्स को 2 कलर पेपर में करते हुए रीअरेंज यदि हम करें, तो पहला हमने 1 लिया, फिर सेकेंड स्टेप में 1 प्लस 2 लिया और लास्ट स्टेप 1 प्लस 1 से लेके 7 तक के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन अगर हम इसे सेकेंड कलर पेपर में लेते हुए, येलो कलर के पेपर में लेते हुए लास्ट फर्स्ट स्टेप में 1 और लास्ट स्टेप में अगर हम 1 से लेके 7 तक के सम को रिप्रेजेंट करें, तो ये नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस अप टू 7 तक के सम का जो सम आ रहा है वो इस रेक्टेंगल एरिया का हाफ आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कलर पेपर की हेल्प से दिख रहा है कि बहुत कलर पेपर का जो एरिया है, रेड कलर पेपर का एरिया और येलो कलर के पेपर का एरिया, ये दोनों एरियाज हमारे सेम है। हैंस अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया को देखें, तो इस रेक्टेंगल का विड्थ यदि हमारा देखें तो 1 से लेके 7, इट मीन्स 7 यूनिट आ रहा है, और इसके लेंथ को यदि हम देखें तो ये 1 से लेके 7 प्लस 1, इट मींस 8 के इक्वल आ रहा है। हैंस इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस अप टू 7 के इक्वल होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, इट मींस 7 मल्टीप्लाई 8 के इक्वल होगा, जिसके हमारी लेंथ है 8 और विड्थ हमारी है 7 के इक्वल है। तो हैंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 7 यदि हमें निकालना चाहें तो ये इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ के इक्वल आएगा, इट मीन 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2 के इक्वल आएगा। अब इस सेम एक्टिविटी को हम 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर तक का सम को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। यदि हम एक कार्डबोर्ड लें और उसमें यूनिट 1 यूनिट के डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स को कट करते हुए, सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 1 को लगाएंगे, देन उसके बाद हम 1 प्लस 2 को लगाएंगे और 1 प्लस 2 प्लस 3 को करते करते लास्ट स्टेप में हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को लगाते हुए फिर सेम पैटर्न में हम इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी सबसे पहले तो यहाँ 1, देन 1 प्लस 2 करेंगे और लास्ट स्टेप में हम 1 से लेके 10 तक करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप आता है। इस रेक्टेंगल शेप की अगर लेंथ को आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया 10 प्लस 1 11, और इसके विड्थ को अगर हम देखेंगे तो 1 से लेके 10 तक होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू 10 तक का जो सम होगा वो इस पूरे एरिया का हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ 1 से लेके 10 तक का सम 2 टाइम्स आ रहा है। फर्स्ट हमारा पिंक कलर का पेपर है और सेकेंड हमारा एक लाइट ग्रीन कलर का पेपर है। हैंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10 तक का जो वैल्यू आएगी वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल होगा, मींस हाफ ऑफ लेंथ हमारी आ गई 11 और ब्रीथ की वैल्यू हमारी आ गई 10। इट मींस यदि 1
से लेके अप टू 10 तक का हम सम फाइंड आउट करते हैं, तो 1/2 10 मल्टीप्लाई 11 के इक्वल आता है। जब हमने 1 से लेके 7 तक के सम को फाइंड आउट किया था, तो 1 से लेके 7 तक का जो सम आया था वो 7 मल्टीप्लाई 8/2 के इक्वल आया था। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो 1/2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 के इक्वल आया। जहाँ पे 7 यानी 1 से लेके हमें 7 तक का सम को फाइंड आउट करना है, तो 1 से लेके 7 तक का जो सम आया 1/2 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 के इक्वल आया। और यदि 1 से लेके 10 तक के सम को अगर हमने फाइंड आउट किया तो उसका भी जो आंसर आ रहा है वो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको इस स्टेप को 11 को हम 10 प्लस 1 के पैटर्न में लिख सकते हैं। इट मीन्स 1 से लेके 10 तक का जो सम है 1/2 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 के इक्वल है। उसी प्रकार यदि हमें नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 अगर नेचुरल नंबर हमारा अप टू n तक जाता है, तो इस एक्टिविटी मेथड से हम कह सकते हैं यदि यहाँ पे हमारा 7 है तो 1/2 7 7 प्लस 1 आएगा। अगर यहाँ पे n की प्लेस में हमारा 10 है तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 10 प्लस 1 के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे n है तो इसका जो नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला आएगा 1/2 n प्लस 1 के इक्वल आएगा। मींस यदि हमें 1 से लेकर 20 तक का सम फाइंड आउट करना है तो ये हमारा आंसर होगा 1/2 20 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 20 प्लस 1 के इक्वल होगा। हैंस नेचुरल नंबर के अप टू n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 n प्लस 1 के इक्वल होता है। और यदि हमें 1 से लेके 4 तक का सम को फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 1 के इक्वल होगा। इसे हम सिंप्लीफाई करते हुए अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स टोटल सम आएगा 10। और इसे हम रीचेक भी करें, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 इज 9 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यदि n की प्लेस में 12 है तो इसका हमारा आंसर होगा 1/2 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली n इक्वल टू 50 होगा तो इसका आंसर 1/2 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 के इक्वल होगा। अगर n की प्लेस में हम 100 लेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 के इक्वल होगा। इस एक्टिविटी मेथड से हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड 1 क्यूब 2 क्यूब एंड 3 क्यूब को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे आप क्लास 11 में पढ़ेंगे।